Hello dear friends, assalamu alaikum. Back again with new video on Ilm-E-Sadiq Academy YouTube channel. Yunusi of Sindh ke wale se most important 2K20 batch ke wale se baat karni hai. To sabse pehle naye aane wale candidates ko sabse pehle request hogi channel ko subscribe kare, wo bilkul free hai aur saath hi bell icon ko press karke all kar dein taki is tarah ki notification aap log baasani le saken. To baat ko start karte hain. Short si video mein main aap logon ko kuch samjhana chahta hu, batana chahta hu, so kindly gaur se sune, doston ke sath share kare agar kar sakte hain. Koi aapka dost hai to wo samajh le is baat ko. Jo candidates ye puchna chahte hain, ye puch rahe hain ki bhai jo selection mein humne sports ya fir art design ka koi डिपार्टमेंट रखा है, कोई सब्जेक्ट रखा है, अगर वो हम ना दें या फिर हमें वो नहीं चाहिए तो क्या फिर भी टेस्ट देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी का या नहीं. और दूसरा कि हमारे पास कोई फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं है, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, तो वो क्या करेगा, अब उनके पास क्या अथराइज है कि अब वो क्या करे, क्या उसको माना जाएगा कि भाई आप स्पोर्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं और आपको स्पोर्ट दिया जाए. तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट होगी लाइक करें, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे, बात समझ में आ जाए तो लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. और डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझने के लिए थोड़ा आप भी कंसंट्रेट रहें ताकि मैं आप लोगों को बात समझा सकूं जो मैं करना चाहता हूं, ठीक है. तो बात यह है कि दरअसल जो स्पोर्ट्स के हवाले से मैं थोड़ी बात करूँ, जो फिटनेस के हवाले से ज़ाहिर है उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा कि डैट मीन्स वो ऑथराइज नहीं है. सर्टिफिकेट नहीं है कि इसका मकसद ये हुआ कि आप स्पोर्ट्स में है ही नहीं, मतलब आपने स्पोर्ट में अप्लाई ज़रूर किया है, आपने रखा ज़रूर है, बट आप लोगों ने ये आपके पास कोई ऑथराइज नहीं है, कोई ऑथराइज चीज़ नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका काम नहीं होगा. थोड़ा ये समझ लें, जिसके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट या फिटनेस का कोई नहीं है तो ये समझ लें कि आप लोग अच्छा ये बनता है आपकी टीम के वाले से या फिर एक डॉक्टर्स भी फिटनेस के वाले से, मेडिकल के वाले से या फिटनेस जो ओवरऑल होती है वो भी निकाल के देते हैं सर्टिफिकेट. आसान होता है मेरे ख्याल से, बट आप लोगों को ज़्यादा पता होगा जो स्पोर्ट्स में है. सो काइंडली जिसके पास नहीं है वो डिपार्टमेंट उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, सबसे पहले ये बात. और दूसरी बात, कल ये टेस्ट अनाउंस हो गई थी तो कल ही उनकी टेस्ट है, ठीक है. नॉर्मल टेस्ट होती है सिंपल जो आर्ट डिज़ाइन के होते हैं उनके लिए, अपनी जो सब्जेक्ट के वाले से होती है. ये समझ लें जिसने रखा है तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि भाई उनको ये डिपार्टमेंट दिया जाए, स्पोर्ट दिया जाए और आर्ट डिज़ाइन में ना वो डिपार्टमेंट दिया जाए. सो मेरिट लिस्ट के हवाले से आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि बाय चांस ये इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन निकाल दी, अदरवाइज लिस्ट जो है वो निकल चुकी थी. डैट मीन्स के वो निकाल दी, मतलब 15 या 16 को ये जो मेरिट लिस्ट है वो अनाउंस कर देते. बाय चांस ये इन्होंने अनाउंस किया है 19 को, डैट मीन्स 19 को कि 19 की रिज़ल्ट भी आनी है, जाहिर सी बात है. तो 19, 20, 21 से ये स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो एक दो दिन में लिस्ट वो भी अनाउंस करेंगे. सो जितना आपने वेट किया है इंशाल्लाह, और देखें हमारे बस की बात नहीं है, हम कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को समझा दें, ठीक है. तो वही चीज़ आप मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी अनाउंस होगी 20 के बाद, मीन्स के 21 के बाद या 21 से बाद ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनके रिज़ल्ट भी आनी है, उनको भी देखना है कि उनका रेशो क्या हुआ है, फिर उनको भी उन पर सिलेक्शन देंगे. अदरवाइज़ ऐसे ही कोई मेरिट लिस्ट अनाउंस नहीं करने वाले, अगर करते तो उनका क्या होगा जो स्पोर्ट और आर्ट डिज़ाइन में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है. सो कीप सपोर्टिंग मैं सादिक अकेडमी यूट्यूब चैनल. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें. थैंक यू.